बाइक से जाऊंगा 290 किलोमीटर यहाँ से, और ये सामान भी रहेगा, मैं भी रहूँगा, मेरी गाड़ी भी रहेगी, डिग्रो भी रहेगी। देखते क्या आज फेस करना पड़ता है, कितने टाइम पहुँचता हूँ और रास्ते में क्या क्या मौका मिलता है कुछ अलग देखने का, गिरने का, पढ़ने का भी। दोस्तों ये रही मेरी ऊपर पुरानी ऑफिस, देखिए ऊपर महिंद्रा लिखा हुआ है, और इसके बाद मेरा हो गया ट्रांसफर। तो एच एफ डिलक्स में आज 290 किलोमीटर का सफ़र करूँगा बाय एच एफ डिलक्स बाय रोड यूट्यूबर कोबलबाज। दोस्तों ये सामान वगैरह है जो बोलेरो से मैं भर के पूरा घर पहुँचा दिया हूँ, कूलर वगैरह जो भी सब जरूरत की चीज़ें लेके जा रहे हैं, बाकी वहाँ पे फिर से लेंगे। हे गाइस, तो मैं फाइनली रूम खाली कर दिया हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, यानी अंदर से मन कर रहा है कि कहीं ना जाऊँ, और मेरा ट्रांसफ़र हो गया फिलहाल में। तो देखो दोस्तों, मैं रूम खाली कर दिया हूँ, कुछ भी नहीं बचा रूम में। और आप कहीं भी एक जगह रहते हैं, अगर उसको छोड़ते हैं तो आपको कैसा लगता है उससे आपको पता चल होगा। कर ली हूँ पैकिंग। सबसे पहले तो यहाँ का बिजली बिल, एडवांस में रूम चलता है लेकिन बिजली बिल बाकी है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लगा है मीटर, मीटर भी चेक करेंगे। तो भैया मीटर चेक करने के बाद गाड़ी एकदम रेडी कर लिया हूँ डिलक्स को अपना, एचएफ डिलक्स। सामान मेरा लोड के एकदम पूरा तनापन भर दिया हूँ, दवा एकदम रस्सी से लगा के बांध दिया हूँ ताकि इधर उधर हिले ना और मेरे को भी ना हिलाए। बाकी जय हो डिग्रो, जहाँ जा रहे हैं वहाँ तक पहुँचाए, इधर उधर ना हिलाए। देख सकते हैं पूरी फुली लोडेड, चलते हैं। दोस्तों ये रही मेरी पुरानी ऑफिस, देख सकते हैं ऊपर में महिंद्रा फाइनेंस लगा हुआ है मेगा के जस्ट ऊपर में। और फिलहाल मैं आज एच एफ डिलक्स से 290 किलोमीटर का सफ़र करूँगा बाय रोड एच एफ डिलक्स से। मैं रहूँगा साथ में, हमारा डिग्रो रहेगी। हे गाइस, तो खाली अपना डेरा डक्कर पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमारे साथ ये भाई साहब भी इतना काफ़ी लोग हैं, और अपन अभी निकलेंगे बाय रोड धक्का धक्का एच एफ डिलक्स से। बिल्कुल बिल्कुल, 290 किलोमीटर का सफर करूंगा एच एफ डिलक्स, मारुति करो एच एफ डिलक्स। बिल्कुल, बाकी भाई लोग सब लोग दोस्त, मेरे तो हैप्पी जर्नी है दोस्त, लेकिन फट जाएगी चलते चलते, कोई दिक्कत नहीं है। संघर्ष संघर्ष ऐसा है ना कि कहीं भी थकान नहीं मिलेगी तुमको, थकान मिलेगी, कहावत सुने हो ना, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता, तुम जुगनू हो, तुमको रोशनी खुद ढूंढेगी, तुमको ढूंढना नहीं है। अच्छा अच्छा, जान लो, चले फिर ढूंढते उधर ही फिर। चलते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट। तो भैया कच्चा रोड पक्का रोड धीरे धीरे पहुंचा हो, ये देखिए रोड है, अभी पक्की रोड में थे, अभी दर्दनाक रोड है, गिरेंगे तब कहाँ कहाँ गिट्टी घुस जाएगा पता नहीं चलेगा भाई। लेकिन इसको जैसे अपन सफ़र कंप्लीट करते हैं आगे, इससे भी डेंजर खतरनाक, ठंडी का मौसम वैसे भी लोगों को फटते रहती है पानी देख के, लेकिन इस पानी को अपने को क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद आगे जाके मेन रोड में मिल गए, और काफ़ी अच्छा बाबा दा ढाबा मस रोटी के लिए जाना जाता है, मक्के की रोटी, नींबू, मिर्ची, नॉन दाल फ्राई, और ये आलू बैंगन की चोखा ज़बरदस्त, और चने की भाजी काफ़ी अच्छी दिख रही है, तो खाने में कितना मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों खा के देखते हैं कैसा लगता है, लेकिन मैं खाऊंगा तो मेरे को देखो अच्छा लगेगा, आप लोग को मैं टेस्ट बताऊंगा। जिसे खाना खा लेता हूँ थोड़ा ही देर बाद, जिसे खाना खा लिया भाई तो मन करता है थोड़ा पान खाते रहें, मुंह चलते रहेगा। भैया लंबा सफ़र है तो ज़्यादा दूर चलोगे तो फिर पान नहीं खाओगे तो नींद भी लगती है, हेलमेट के नीचे हेलमेट पहने रहोगे आप तो हमेशा आपको लगे जैसे कार में बैठे हैं। तो पान तो खा लिए, ले लिए, और सफ़र करते अपन पहुँच गए, देख सकते हो यहाँ पर ब्योहारी के आसपास, सीधे यहाँ से ब्योहारी अभी 47 किलोमीटर है, सॉरी 81 किलोमीटर था। या इसको देख के समझ गए मैं कहाँ पहुँचा हूँ, कमेंट कर दीजिएगा मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, आप लोग अगर जानते होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर जो एमपी के आसपास सिंगरौली सीधी रीवा सतना आसपास होंगे या जो इस रास्ते से गए होंगे तो पक्का इसको जानते होंगे, जेपी पावर प्लांट है, देख सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल मझौली 42 किलोमीटर और चौपाल सीधी 42 किलोमीटर के उमरिया से उड़ के मेन हाईवे रोड पर हूँ, और जैसे क्रॉस करता हूँ सामने धगा धक डीजे बज रहा था, डीजे में एक्चुअली में गाना बज रहा है इसलिए मैं उसको म्यूट कर दिया हूँ, और अपन पहुँच गए संजय डुबरी।
टाइगर रिजर्व। दोस्तों यहाँ पर अगर आप सही रोड देखना है आपको, बिल्कुल ये डिस्ट्रिक्ट सिरी में पड़ता है और काफ़ी अच्छा रिसॉर्ट भी है, ये नंबर भी है, वेबसाइट भी है, आप संपर्क कर सकते हैं। रोड भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, मैं शॉर्टकट आया इसलिए मेरे को थोड़ा इस टाइप से दिखाना पड़ रहा है आप लोग को, क्योंकि अगर आप सीधे डायरेक्ट आएंगे तो, या फिर सिंगरौली से भी डायरेक्ट आएंगे, या सडौल से भी डायरेक्ट आएंगे, उमरिया से भी डायरेक्ट आएंगे, रीवा से सतना कहीं से भी आएंगे, तो कोई काफ़ी अच्छी रोड पड़ेगी, देख सकते हैं। मैं आ गया हूँ अभी फ़िलहाल में यहाँ पर, और ये रही डायरेक्ट सीधी जाने के लिए उधर, लेकिन अभी मैं जिस रूट पर जा रहा हूँ ये जाएगी डायरेक्ट आगे जाके छांदा है, चौराहा है, वहाँ से राइट लेंगे तो उमरिया, और लेफ्ट लेंगे तो सीधा पहुँच जाएंगे शाडोल। अभी मैं फ़िलहाल उमरिया डिस्ट्रिक्ट में पहुँचने वाला हूँ, अभी डिस्ट्रिक्ट में पहुँचा नहीं, जैसे पुल क्रॉस करूँगा। जय हो बजरंगबली, जय हो भोलेनाथ, जय 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 जय। आप लोग मानते हैं जय, नहीं तो नमस्ते, नहीं तो कुछ भी कर लीजिएगा, मेरे से राम से जय बजरंगबली। अभी मैं आधा सीधी में हूँ और आधा बेवारी में हूँ, पुल के ऊपर जाओगे तो शाडोल लग जाएगा, यहाँ पे पता नहीं चलता कौन किधर है। मैं पुल के ऊपर हूँ, काफ़ी अच्छा नज़ारा है देखने में, काफ़ी अच्छी, तकलीफ़ नहीं हो रही, काफ़ी मज़ा आ रहा है, और नज़ारा काफ़ी अद्भुत है, अद्भुता है, अद्भुतातम है, मज़ा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप क्रॉस करेंगे दोस्तों, वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, ये बांधवगढ़ का रिजर्व जो है ना, जंगल के अंदर का रोड, इसमें सिर्फ पतला ही रोड मिलेगा, इतना भयानक जंगल, इतना भयानक जंगल है, थोड़ा पानी गिर गया इसलिए और भयानक हो रहा है, क्योंकि इधर से कोई जानवर आएगा तो आप भाग बिल्कुल नहीं सकते हैं, लेकिन 6 बजे के बाद आप इस रूट से जाना अलाउ नहीं है, फोर व्हीलर से जा सकते हैं, फोर व्हीलर भी अलाउ नहीं है, ब्रेकर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जानवर रोड पर आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रेकर ज़्यादा बनाया गया है। इसे क्रॉस करेंगे, मैं डायरेक्ट पहुँच गया उमरिया, उमरिया ये चौराहा है कोई सा, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है कौन सा चौराहा है, लेकिन बहुत अच्छा चौराहा है। यहाँ पर शाडोल उमरिया कटनी चारों तरफ से आके लोग यहीं पे भिड़ंत हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। डायरेक्ट मार्केट घुस जाने के लिए उमरिया का है, सीधा जाएंगे तो, और राइट साइड जाएंगे तो डायरेक्ट आप पहुँच जाएंगे बस स्टैंड, वहाँ से भी रास्ता आपका है, कलेक्ट्रेट वगैरह, पुलिस थाना वगैरह काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, पुलिस थाना वगैरह काफ़ी अच्छा अच्छा है, और जब अच्छा थाना, अच्छा पुलिस वगैरह रहता है, महिला थाना भी, तो स्वागत भी अच्छा होता है, तो अगर यहाँ पर आते हैं तो आपका भी स्वागत काफ़ी अच्छा होगा, जिस भी दरबे पे आएंगे वो होगा, ज़रूर होगा, अवश्य होगा, ये उन लोगों के लिए है जिनको ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे आप बस में पहुँचेंगे सामने में एक अच्छा सा पेट्रोल पम्प मिलेगा, और लेफ्ट साइड में आपका मिलेगा बस स्टैंड। बस स्टैंड कोई ख़ास नहीं है, लेकिन यहाँ से जाने के लिए हर जगह से आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी, डायरेक्ट भी जा सकते हैं, जैसे आपको कटनी वटनी उमरिया जबलपुर इधर। दोस्तों ध्यान देंगे, सिंगरौली के यहाँ से बस कोई भी नहीं, सिंगरौली जाना है आपको तो सीधी जाना पड़ेगा, इसके बाद ही बस मिलेगी, कोई भी बस नहीं है उमरिया से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।